सॉफ्ट फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, 285.50 रुपए स्पॉट के लेवल है, यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट बनेगा 292 का, दूसरा टारगेट 296 का और स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो 282 रुपए का। जिस तरह के चार्ट बने हैं ईयरली लो के बाद इस काउंटर में तेजी बनी, बढ़िया लो बनाने के बाद बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। आज फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, साथ ही साथ सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ये काउंटर निकल गया है और शॉर्ट कवरिंग भी ओपनिंग नोट से इस काउंटर में देखने को मिल रही है। हमारा ऐसा मानना है 296 तक के अपसाइड मूव बिरला सॉफ्ट में नजर आते हैं, बाय करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 282 का। एडोर वेल्डिंग जिसका पुराना नाम आप अडवानी ओर्लिकिन है और गजब की कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी 1951 से कार्यरत है और करीब 70 कंट्रीज में कंपनी का प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और कंपनी के अगर मैनेजमेंट की बात करूं तो बहुत ही क्वालिफाइड मैनेजमेंट है। जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो भी इंपीरियल कॉलेज से MBA है और जो मैनेजिंग डायरेक्टर YS भी हैदराबाद के MBA है, तो और कॉन्फिडेंस आता है, पुराना मैनेजमेंट, दिग्गज मैनेजमेंट, क्वालिफाइड मैनेजमेंट। और अगर मैं बात करूं इनके अगर क्लाइंटिल की तो वो भी बहुत स्ट्रांग है, टाटा ग्रुप को, DRDO को, NHPC, कोल इंडिया, ऐसे बड़े बड़े नाम है और चार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और रिसेंटली इन्होंने एक एमलगमेशन भी किया था एडोर वेल्डिंग एकेडमी को। और अब मैं ओवरऑल फंडामेंटल्स की अगर बात करूं तो 20% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और 15% की रिटर्न ऑन इक्विटी, 1.5% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड और एक जीरो डेट कंपनी और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी बेहतरीन रही है 17-18% और TTM बेसिस पे भी 45 करोड़ का पैट है जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है। सितंबर का क्वार्टर वीक था तो इसलिए ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्शन भी देखा स्टॉक ने और इसलिए अब सारी प्राइसिंग लगती है 1038 का हाईज बनाने के बाद 819 के लगभग अभी चल रहा है 815 और ऐसा लगता है कि 750-850 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। और आप शेयर होल्डिंग लिस्ट में देखते हैं तो 57% प्रमोटर्स है, उसके बाद FIIs, DIIs करीब 5% के लगभग और आशीष कचोलिया जी और 2-3 और बड़े बड़े नाम आते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग में जिनकी होल्डिंग अच्छी खासी, आशीष कचोलिया जी 4.25% होल्ड करते हैं। तो ये स्टॉक मैंने तीसरी बार इस बार जेम्स में कवर किया, 2020 में भी किया था, 2022 में 650 के लेवल्स पे किया था, वहां तो ऑलरेडी टारगेट अचीव हुआ ही और अब वापस से लगता है कि अच्छा सपोर्ट लेके यहाँ से 950 और 970 के लिए अग्रसर है, तो 950-970 का टारगेट।